पास इंश्योरेंस भी नहीं था, एमओटी नहीं था, रोड टैक्स के ठिकाने नहीं थे और कंडीशन भी सही है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी मेरी। सो ये रही अपनी गाड़ी किया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो का मेन पर्पज वही है कि गाड़ी यहाँ पे कैसे ले, यूके में गाड़ी ड्राइव कैसे करे और कैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े फाइन्स होते हैं उससे बचे, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिकॉज हुआ ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको भी बहुत बड़ा फाइन आया है और शायद लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए और गाड़ी भी जमा हो जाए बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है उसको। सो वो क्या हुआ है वो लास्ट में बताता हूँ क्या हुआ है और कैसे बचे उससे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट्स गिविंग मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी मैंने कौन सी ली है, गाड़ी लेते कैसे है यहाँ पे और गाड़ी लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो गाड़ी जो मैंने ली है वो किया रियो है। सो किया की रियो गाड़ी ली है, 2013 मॉडल लिया है और अराउंड अगर अप्रोक्स में अप्रोक्स क्या मतलब फिक्स प्राइस ही बता दूँ तो कितना, 3700 मतलब इंडियन रुपीज़ में 370,000 370,000 उतने में पड़ी है मुझे। और गाड़ी मैंने ली कैसे, सो यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए बहुत सारे रस्ते हैं। जैसे अपने इंडिया में होता है प्राइवेट सेलर्स भी होते हैं, लोग अपने हिसाब से इंडिविजुअली भी बेचते हैं और उसके साथ साथ डीलरशिप भी होती है। अभी अपने वहाँ पे तो कैसा है कि आपको गाड़ी प्राइवेट सेलर से लो या कैसे भी लो तो इतना दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे लेने में, क्योंकि क्या है कि आप खुद से जाके ले आओ, आपको पता चलता है या फिर आपके साथ में दोस्त में कोई भी है, कोई गैराज वाला या कोई भी एनीथिंग, तो आप उसके साथ जाके गाड़ी ले सकते हो तो वो चेक करेगा अपने हिसाब से। यहाँ पे ये सीन नहीं है, आपको पहले तो कोई बंदा ही नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद से समझ आ रही है गाड़ी में सब कुछ, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन पता है क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो आप खुद से ले सकते हो प्राइवेट सेलर के पास जाके। बट उसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कभी कई कबार वो गाड़ी चोरी की होती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी चेक करते हैं ऑनलाइन। वो कैसे चेक करते हैं वो भी अगर मेरे को लिंक मिली तो मैं डाल दूंगा इसके अंदर। सो उसमें भी आपको वो सब चेक करना होता है, हिस्ट्री वगैरह चेक करनी होती है, कोई माइल्स वगैरह होता है, माइल्स मतलब गाड़ी कितनी चली है। तो यहाँ पे 100,000 मतलब 1,00,000 माइल्स चलना मतलब एक नॉर्मल चीज़ होती है क्योंकि रोड्स नॉर्मल है, बट स्टिल आपको देखना है कि वो जेन्युइन ही है। पता चला 1,50,000 माइल चली हुई थी गाड़ी और उसको जीरो कर दिया था, फिर वापस 100,000 चला लिए तो आपको लगेगा भाई 100,000 ही है। सो ये सब भी चीज़ें होती है और आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब बैक टू द टॉपिक अगेन, आपको गाड़ी लेने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है मेन चीज़। सो पहले तो प्राइवेट सेलर जैसे बताया वैसे ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है। अगर नहीं है तो फिर डीलरशिप के पास से ले सकते हो। डीलरशिप के पास जाने के फायदे भी है नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान एक ही है कि आपको प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। आप अगर आप सोच रहे हो कि यार प्राइस मुझे सस्ते में मिल जाए डीलरशिप के पास जाके या फिर अच्छी गाड़ी के साथ साथ क्या बोलते हैं बाकी सभी बेनिफिट्स हो, बट मेन चीज वही है कि एक सेकंड में ये गाड़ी थोड़ा साइड में कर लूँ, मैं किसी के बीच में ना हूँ क्योंकि वीडियो बनाते बनाते अगर ये ड्राइव भी कर रहे हैं तो ध्यान भी तो रखना है साथ में। सो मेन चीज़ यही है कि गाड़ी अगर डीलरशिप से लेते हो तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो वो सब क्रॉस चेक वगैरह उसने खुद से ही किया हुआ है, HPI क्लियर होता है, गाड़ी चोरी की नहीं होती है, मोस्टली सब कुछ सही होता है, उन्होंने अपने हिसाब से एक बेसिक चेक तो कर लिया होता है, तो ये फायदा होता है। और वैसा नहीं है कि डीलर भी कोई सा भी उठा लो, कोई गैराज वाला ही उठा लिया वहाँ से ले लिया, प्रॉपर डीलर का बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो डीलर से लिया था उसका अगर आपको किसी को कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो थोड़ा मुझे जेन्युइन लगा, मैंने बहुत सारे धक्के खाए थे। सो मुझे उसके पास से गाड़ी मिली, 3 महीने की वारंटी भी दी है उसने। सो 3 महीने की वारंटी का फायदा ये है कि अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे वो वारंटी में कवर करके देगा। तो रिसेंटली गाड़ी में छोटा मोटा प्रॉब्लम आया था मेरे, तो वो गाड़ी का प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व करके दिया है। सो ये फायदा है। दूसरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपको जीरो नॉलेज है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था इतना कि गाड़ी लेने टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, यूके के लॉ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो सब चीज़ें नहीं पता थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे उसने ही बताई कि भाई ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तब जाके मैं गाड़ी लेके आया था, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी लेने के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है, और लोग पूछते हैं कि यार इंटरनेशनल पे ले या फिर यूके के लाइसेंस पे ले, तो लाइसेंस कैसे वर्क करेगा, इंश्योरेंस कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप गाड़ी इंटरनेशनल पे भी ले सकते हो, यूके के लाइसेंस पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इजी है। और गाड़ी लेने के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगते हैं, इट जस्ट आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए गाड़ी ड्राइव करने के लिए।
लाइसेंस के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप लीगली रोड पे ड्राइव कर सकते हो अगर पुलिस वालों ने पकड़ा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वैलिड तो फिर दिक्कत आएगी, फाइन आएगा, बहुत बड़ी चीज होगी। यही चीज मेरे दोस्त के साथ हुई थी, मैंने जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ क्या हुआ था। सो सबसे पहला आता है रोड टैक्स। गाड़ी लेते समय अगर आपका रोड टैक्स नहीं भरा हुआ है या फिर आपको भरना है ऑब्वियसली, तो अगर आपने रोड टैक्स भरा है तो दिक्कत नहीं है। साल के रोड टैक्स अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग आता है, कोई गाड़ियों के जीरो भी होता है, कोई के 20 पाउंड 25 पाउंड 30 पाउंड, किसी के 200 पाउंड भी होता है। ये गाड़ी का रोड टैक्स है 35 पाउंड, तो मुझे सस्ता लगा इसलिए ये गाड़ी एक बेनिफिट है। दूसरी चीज़ आपका MOT, लोगों को पता ही होगा मोस्टली कि MOT क्या होती है, अगर नहीं पता है तो सर्च कर लेना। MOT मतलब एक वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर्स ना सब लोग करते हैं कि भाई उसमें ये चेक करते हैं कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है कि नहीं। अगर MOT पास है दैट मीन्स गाड़ी रोड पे चलने लायक है। अभी उसमें भी लोग झोल भी करते हैं, ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है कि भाई MOT भी फालतू गैराज वाले कर लेते हैं ऐसे ही बिना कुछ करे। इसीलिए रीज़न ये भी है कि डीलरशिप के पास लेने से, अच्छे डीलरशिप के पास लेने से, कि वो फेक MOT नहीं होगा या फालतू MOT नहीं होगा। सो MOT होना चाहिए। और थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस। गाड़ी के इंश्योरेंस के बिना अगर गाड़ी चलाई है तो फिर दिक्कत आएगी। उसमें भी दो तीन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कंप्रेहेंसिव हो गया जो फुल इंश्योरेंस बोलते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया। कोई सा भी इंश्योरेंस ले लो, आपको वो दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्टी भी ले सकते हो तो थर्ड पार्टी लो। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ और मुझे दिक्कत नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी ले लो। बट मैंने कंप्रेहेंसिव लिया था और मैं सजेस्ट भी वही करूँगा सबको, कंप्रेहेंसिव लो, जो फुल इंश्योरेंस होगा खुद का अपना सबका आ गया यूँ। तो ये इंश्योरेंस लेना है। और गाड़ी के डिपेंड ऑन कार और डिपेंड ऑन लाइसेंस, सबके डिपेंड करेगा इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना आएगा, तो आपको ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर गलती से बड़ी गाड़ी ले ली तो फिर उसमें इंश्योरेंस तगड़ा आएगा, 3,000-5,000 पाउंड आएगा साल का। गाड़ी सोचो अपने लिए 2-3 हज़ार की और 3,000 का तो इंश्योरेंस आ गया, तो मतलब भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहली, जो गाड़ी ले रहे हो यहाँ पे। और अगर स्टूडेंट्स हो, ऐसे सस्ते में लेना है तो आपको गाड़ी लेनी है खाली छोटी वाली, छोटी वाली के साथ साथ ऐसा कि भाई 1.2 लीटर इंजन हो या फिर ऐसा कुछ, ऐसा छोटा वाला इंजन ही लेना, छोटी गाड़ी हैचबैक की, तो एटलीस्ट इंश्योरेंस कम आएगा, दिक्कत नहीं आएगी और आराम से ड्राइव कर पाओगे। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाड़ी लेते समय, और ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं करी हुई है तो फिर दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट चीज़, गाड़ी तो आपने ले ली कि भाई कैसे लेना है, कैसे करोगे, डीलरशिप के पास से लोगे या प्राइवेट सेलर के पास से लोगे, ये आपका अपना खुद का है जो भी है। बट उसके साथ साथ मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर गाड़ी आपको पक्का आती है प्रॉपर, या फिर यहाँ पे अगर गाड़ी लेते हो तो एक आध लाइसेंस ले लो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास से, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। आपको थोड़ा एक रोड का पता चल जाए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बहुत टफ है। जो राउंड अबाउट्स होती है, सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा टफ होता है। और नॉर्मली चलाने में तो इंडिया जैसा ही है ऑब्वियसली, तो सेम ड्राइविंग का है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। बट रूल्स वगैरह ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आता था मुझे शुरू में। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैप वगैरह कैसे फॉलो करना है यहाँ पे, क्योंकि मैप फॉलो करना भी ड्राइविंग के साथ थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी लेन्स होती है, आपको पता नहीं चला कोई भी लेन में घुस गए तो फिर गोल गोल घूमते ही रह जाओगे। सो ये चीज़ है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, मैं चीज़ वो बता देता हूँ कि दोस्त के साथ क्या हुआ था, वो चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। एक तो वो भाई साहब नए नए आए हैं इंडिया से, और उनको पता नहीं है कि गाड़ी ले तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो उसने क्या किया कि गाड़ी कोई प्राइवेट सेलर से ली, तो पहली बात तो प्राइवेट सेलर से लेगा तो प्राइवेट सेलर थोड़ी बताएगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसने सीधे पैसे दिए, प्राइवेट सेलर ने गाड़ी की चाबी दी और सब कुछ, वो वहाँ पे उन्होंने ट्रांजेक्शन निपटा दिया। अभी उनको यही नहीं पता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ उस टाइम पे भी इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रोड टैक्स भरा होना चाहिए कि नहीं भरा होना चाहिए। सो पहले ही दिन, जिस दिन गाड़ी लेके ही घर जा रहा है उसी दिन उसको ये भी नहीं पता है, क्योंकि गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हो दैट मीन्स उस टाइम पे इंश्योरेंस होना चाहिए। वो इंश्योरेंस नहीं की हुई थी उस टाइम पे, शायद रोड टैक्स भी नहीं था और नहीं थी, फर्स्ट टाइम लेके गए तो स्पीड वगैरह का ध्यान नहीं रहा, थोड़ा रफ कर दिया ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग कर दिया, तो ड्राइविंग भी फुल स्पीड में चलाया और ऐसे तैसे चलाया। अब सीधी बात है कि इंडिया के जैसे ही चलाओगे तो यहाँ पे तो रैश ड्राइविंग ही हो गया, तो आपको रूल्स के हिसाब से चलानी है।
तो वो उसको पता नहीं थी और फर्स्ट डे ही किसी ने फोटो लेके कंप्लेन कर दी या कहीं पे भेज दिया या कुछ हुआ ऐसा, तो जिससे क्या हुआ कि DVLA जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यहाँ की, जैसे अपने गवर्नमेंट में वहाँ पे होती है RTO, तो यहाँ पे DVLA का मेल आ गया, उनको मैसेज आ गया कि भाई आप ये दिन ये चीज़ किया था, उन्होंने फिर कैमरा भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, तो उसकी वजह से आप हमें क्या बोलते हैं एक सेकंड, तो उसकी वजह से आप हमें सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजो, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया कैमरा वगैरह के अंदर, उसके अंदर प्रूफ भी हो गया कि भाई आपने गाड़ी ऐसे चलाई थी, यहाँ यहाँ दिक्कत करी थी, तो अभी उससे डॉक्यूमेंट्स में मांगा है कि भाई MOT दो, आपका इंश्योरेंस दो, ये सब दो। अब वो बंदे ने गाड़ी जिस दिन ली है उस दिन वो लेके गया है, तो उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं था, MOT नहीं था, रोड टैक्स के ठिकाने नहीं थे, तो अभी क्या प्रॉब्लम आएगी उसके साथ, अभी पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि मेरी भी बात नहीं हुई है, बट मेन चीज़ ये समझो कि अब इसको फाइन भी लगेगा, ठीक है, और देर आर पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट था और लाइसेंस इंटरनेशनली था, तो लाइसेंस रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगा ही उसको कि लाइसेंस ना दे आगे, बट UK का तो है ही नहीं, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता, बट उसको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है ये सब चीज़ें में। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि PR में भी प्रॉब्लम आती है अगर ऐसी सब चीज़ें ध्यान रखते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, गाड़ी ध्यान से ही चलानी है और सोच समझ के ही सब कुछ करना है, अगर आप ऐसे ही फिर लेके निकल गए तो ऑब्वियसली दिक्कत ही आनी है, तो ये सभी चीज़ डिस्कस करनी थी। और बस अभी मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी वो डाल दूंगा कि गाड़ी मैंने कैसी ली है, तो आपको थोड़ा पता चले लुक एंड फील भी, और बस आज के वीडियो में बस मुझे यही बताना था। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं गाड़ी की वीडियोस भी डाल देता हूँ कि गाड़ी मैंने कौन सी ली है, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि भाई हाँ ये वाली गाड़ी है और कंडीशन भी सही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी मेरी। सो ये रही अपनी गाड़ी किया, साइड बटन्स वगैरह अच्छे हैं, थोड़ा जो इंटीरियर वगैरह है भी वो भी लुक एंड फील भी अच्छा है। सी डैशबोर्ड 84,000 चली हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ खास इतना इम्पैक्ट वाला नहीं है कि भैया इंटीरियर धांसू हो वैसा, बट स्टिल मैनेजेबल है और बहुत अच्छा है, तो वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी साइड विंडोज भी फ्रंट वाली ही ऑटोमेटिक है, बाकी तो नॉर्मल जो होता है बस वही गाड़ी में होता है, वही है, मैनुअल है, ठीक है। तो गाड़ी है बहुत मेरे हिसाब से जो बजट में मैंने ली है मेरे को तो सही लगी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब का बजट था मेरा उस हिसाब से गाड़ी मेरे को सही लगी, और उसके साथ ही साथ मेरे को गाड़ी लुक एंड फील वाइज भी सही लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से, रुक जाओ, ये देखो बाहर से गाड़ी ये रही, ठीक है। सो ये देखो साइड से भी, मैं नंबर थोड़ा छुपा लेता हूँ तो फिर क्या करेगा, दिक्कत आएगी कि नहीं। अच्छी, ठीक है।